सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बेटर देन होंगे। तो गाइज, आज हमारे सामने यहाँ पे दो बीस्ट बाइक लग चुकी हैं, जहाँ की हमारी यहाँ पे खड़ी है भाई रॉयल इनफील्ड की तरफ से आने वाली हंटर 350। देख रहे हो हंटर 350, उसी के बगल में जावा की बॉबर 42 लग चुकी है। अगर बात कर लें हम लोग इनकी भाई पावर की, तो यहाँ पे हंटर के पावर जो है वो 20 bhp की पावर प्रोड्यूस कर देती है और 27 न्यूटन मीटर टॉर्क है। और बात कर ले वहीं बॉबर की, तो 32 न्यूटन मीटर टॉर्क है और 30 bhp की पावर प्रोड्यूस कर देती है। आप लोगों को पता है जैसे कि क्रूजिंग बाइक्स में bhp कम होती है, पावर ज़्यादा होती है, टॉर्क ज़्यादा होता है। तो आज हम इनकी करने जा रहे हैं ड्रैग रेस, देखते हैं भाई इनमें रिजल्ट क्या आते हैं। बाकी दोनों ही बाइक्स के लुक्स थोड़े बहुत सिमिलर लग रहे हैं, आप लोग देखिए बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहे हैं। फ्रेंड मैं आ चुका हूं अभी यहां पे जावा पे, एनएस भाई अपने आ चुके हैं हंटर पे, और अब देखते हैं भाई इनकी पावर्स क्या फील देती है। और बाकी भाई आपको पता है कि बॉबर तो एकदम रॉयल लुक दे रही है भाई, बहुत ज़्यादा रॉयल लुक दे रही है सच में यार। मज़ा आ रही है इसको चलाने में, क्योंकि इसमें पावर बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट, चार्ज कर सकते हैं। सिंगल सीट की तरफ से आने वाली भाई मजेदार बाइक, देखा ना भाई। है ये क्या हुआ है? आवाज आई ब्लैक 9। हाँ अब होगा रिकॉर्ड। तो अभी हम चलाने जा रहे हैं हंटर और चलाने जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं देखते हैं कौन बॉबर ने पीछे फेंक दिया यार। मैं नहीं टके लूंगा भाई, टके होने की जरूरत नहीं है ना भाई। इसमें टके होने की जरूरत नहीं है बॉब हंटर, क्या मजा आ गई है। क्या मजाक है ये बताओ। बॉबर तो यार सच में बहुत रॉ पावर है इसमें यार। भाई सच में इसमें बहुत रॉ पावर है, मुझे टके होने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, स्लिम स्विमिंग भी नहीं करनी पड़ रही यार। पावर भी तो देखो भाई 10 bhp का फर्क। ये का रिजल्ट पहले राउंड का। सो गाइस, ये है फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट जिसमें हमारी बॉबर होती है। बिन और सेकंड अटेम्प्ट में हम चलाने जा रहे हैं हंट, और देखते हैं इस बार सेकंड अटेम्प्ट के रिजल्ट क्या आते हैं। ओके बॉबर आगे निकल गई यार, बॉबर बहुत आगे निकल गई। मुझे इसमें स्लिम स्ट्रीमिंग करनी पड़ेगी। हो बॉबर बहुत गैप बना दिया बॉबर ने यार, बहुत ज्यादा सच में यार, नहीं कोई मुकाबला नहीं है। हंटर चलो हंटर, ओके हंटर हंटर चलो 140 तो टच करो। नहीं है यार कोई मतलब ही नहीं बनना यार इसका भाई साहब। बॉबर यार सच में यार दिल खुश कर देने वाली बाइक है सच में।
सो भाई सेकेंड अटेम्प्ट के भी हमारी जो विन हुई है ना भाई, वो बॉबर हुई है। बॉबर में बहुत रो पावर है यार, नहीं है कोई इसकी टक्कर का भाई, सच में यार, सीरियसली यार, सच में उसमें उसकी टक्कर का कोई नहीं है मुझे लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हंटर को देख लो। हंटर भाई बहुत समझ रहे हो, हंटर एक रॉयल इनफील्ड की तरफ से आने वाली प्रीमियम बाइक लगती थी मुझे, बट अब तो नहीं लगती। लेकिन हाँ, प्रीमियम चीज़ें रॉयल इनफील्ड अभी भी देता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट पावर की मैं तो भाई बॉबर विन है, और लुक्स में भी बॉबर विन है मैं कहूँगा। लुक्स उसकी बहुत अमेजिंग है और पावर तो रॉ पावर है ही। तो गाइज़ ये थे आज के ड्रैग रेस के रिजल्ट्स, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे लगे होंगे।